नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जी हाँ, और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव होगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। खुशखबरी सुनकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लगेंगे। जी हाँ, बता दें, अब आपकी किस्मत सातवें आसमान पर अपना कदम रखने वाला है और आपका दुश्मन जाएगा सीधा जेल, क्योंकि ग्रह सितारों द्वारा हमें यह संकेत मिल रहा है उसने अपने जीवन में पिछले समय से काफी सारी गलतियां की हैं और आप उन्हें उनकी गलती की सजा मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मनों के साथ जो होने वाला है उसे कोई नहीं बचा सकता और यह फैसला खुद ब्रह्मा विष्णु जी ने किया है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी का फैसला पत्थर का लकीर होता है, जो कि ना ही कोई बदल सकता और ना ही कोई गलत कर सकता है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों के साथ वह कौन सी बड़ी घटना होने वाली है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ हम यह भी बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि सितारों का चाल बदल चुका है, अब चीते से भी लंबी छलांग लगाएगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, इस समय अवधि में आपको कौन कौन सी बड़ी सफलताएं मिलने वाली है और उसके लिए आपको कौन कौन से विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, इन सभी के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, चलिए आगे की वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी और भाग्य के देवता भगवान ब्रह्मा जी की जो भी सच्चे भक्त हैं वही वीडियो को लाइक करें, और जिनके दिल में भगवान के प्रति आस्था विश्वास है वही कमेंट बॉक्स में भगवान का प्रेम से नारा लगाइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके दुश्मनों के साथ वह कौन कौन सी बड़ी घटना होने वाली है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष के ग्रह सितारों से हमें यह संकेत मिल रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों के घर में एक बहुत बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। एक प्रकार से यूं कहे कि आपके दुश्मनों के परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है, यानी कि एक प्रकार से सीधी शब्दों में यूं कहें कि फोन का राम नाम सत्य होने वाला है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मनों के घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली है और यह घटना हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, पूरा उम्मीद है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है और यह सजा उन्हें भगवान ब्रह्मा विष्णु जी दे रहे हैं। जी हां, आपके दुश्मनों को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है अगले 24 घंटे के भीतर। दोस्तों, यही दिन देखना बाकी था, जिस तरह से आपके दुश्मनों ने आपको प्रदान किया था, जिस तरह से आप दर दर भटक रहे थे, अब इस तरह आपका दुश्मन भटकने वाला है। जी हां, ऐसा संकेत ग्रह गोचर के द्वारा मिल रहा है, इसलिए अगले 24 घंटे के भीतर यह बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, एक कहावत है, कहते हैं कि समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़ों का मात देता है। आमिर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब के घर का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उनकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। यही है जिंदगी का हकीकत और दुनिया की सच्चाई। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, आप एकदम सही बोले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर वह कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस तरह से आपकी किस्मत की रफ्तार बढ़ाने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान ब्रह्मा विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए अभी बता दें कि मंगल ग्रह अभी आपके पक्ष में है और यह काफी लंबे समय तक आपके ही पक्ष में रहने वाले हैं, जिससे कि कई बड़े बदलाव आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए और भी सोने पर सुहागा रहने वाला है, जहां एक तरफ आपकी किस्मत चमकेगी तो वहीं दूसरी तरफ आपका भाग्य बदलेगा और जो आपके नसीब में है वह भी आपको मिलेगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें
अगले 24 घंटे का समय आपके लिए धन प्राप्ति का समय रहने वाला है। इन अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो, इसलिए इस समय अवधि में अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप दिल खोलकर कर सकते हैं, क्योंकि यह अगले 24 घंटे का समय आपके लिए लाभ दिलाने वाला समय रहने वाला है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे का समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप इस समय अवधि में बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति और बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन क्षेत्रों से भी अब आपको लाभ होने वाला है और सफलता मिलने वाली है जिन क्षेत्रों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के असीम आशीर्वाद से यह समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, तब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ और बहुत बड़ी गुप्त खबर सुनाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं अगले 24 घंटे का महाराशिफल किस प्रकार से अगले इन 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी धन दौलत से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपकी वह सभी समस्या समाप्त होने वाली है और आपको अपने जीवन काल में धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सभी समस्याओं का अब अंत होगा। जी हां, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी अंत करने वाले हैं। दोस्तों, पूरे घर में ताला लगा देना और किसी कोने में एकांत जगह बैठकर एकदम अकेले में ही वीडियो देखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यह खुशखबरी सबको हिलाकर रख देने वाले हैं। जी हां, क्योंकि ऐसी खुशखबरी सबको नहीं मिलता है, बहुत खुश नसीब वालों को ऐसा सुनहरा मौका मिलता है। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, तभी तो यह खुशखबरी आपको मिल रहा है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पूरा जीवन भर खून की आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग निर्मित हो रहा है जो कि खुद भगवान ब्रह्मा विष्णु जी आपके घर पर आने वाले हैं और आपके घर पर दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है और जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, वह भागकर आपके पास आने वाला है। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु जी ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है। इस संदेश सरते आपको मेहनत करना होगा। इस समय में आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ही ज्यादा लाभ हो जाएगा। मैं आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है, क्या सरप्राइज है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो शुभ संदेश आपको मिलने वाला है, यह संदेश किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना जो कुछ आपको मिलने वाला है वह सब आप गंवा सकते हैं और आपके सारे सपनों पर पानी फिर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि यह खुशखबरी आपको मिले, यह शुभ संदेश आपको प्राप्त हो और भगवान ब्रह्मा विष्णु जी जो संदेश आपको देने वाले हैं यह आप ही को मिले, तो वीडियो को बिल्कुल अकेले में बंद कमरे में ही फंसाने वाले अगजो ले 24 घंटे के अंदर आप धन दौलत से मालामाल हो जाओगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर आपको करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है और आप अपनी जिंदगी को राव जाओ की तरह जीने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने जीवन में जितने ही ज्यादा दुख तकलीफ और परेशानी झेली हैं, अब उतना ही ज्यादा सी लाभ और खुशखबरी मिलने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी गुप्त खबर और कौन कौन सी बड़ी खबर आपको पता चलने वाली है, इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर संपूर्ण और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। आपके ग्रहों में बड़े परिवर्तन होना तय है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह भाग्य उदय का समय आपके लिए राजयोग का निर्माण करेगी, धन प्राप्ति का निर्माण करेंगे।
क्योंकि इस समय आपके ऊपर भगवान महादेव जी की कृपा सबसे अधिक बनी रहेगी। दोस्तों, इस समय में आप देवों के लिए भगवान महादेव जी का नाम लेकर आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, यकीन मानो सफलता आपकी कदम चूमेगी। जी हां, क्योंकि भगवान महादेव जी निश्चित तौर पर सफलता आपको दिल कर रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप अपने जीवन में बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ोगे और सफलता प्राप्त करोगे। जो भी कार्य आपको अब तक असंभव लग रहा था, एक प्रकार से यूं कहें कि जो कार्य अब तक आपका नहीं बन पा रहा था, वह अधूरे कार्य भी अब आपका संपन्न होने वाला है और आप अपने कामयाबी का नए-नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, आपको इस समय अवधि में बड़ी बड़ी खुशखबरी जरूर मिलने वाली है, क्योंकि इस समय अवधि में नई नई खुशखबरी के योग बने हुए हैं। दोस्तों, इतना भाग्यशाली और अच्छा समय रहने वाला कि आपका वह कार्य भी बनने वाला है जिनके बारे में आप प्रयास करना छोड़ दिए थे। जी हाँ, अब आप खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे कि आपका वह कार्य भी बनने वाला है। एक प्रकार सहयोग, काहे कि अल्प प्रयास से ही आपको बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता और बड़ी कार्य बनने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की दुखों का अंत होने वाला है और आप हर जगह सफलता और कामयाबी की झंडे गाड़ने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जल्दबाजी और आवेश में आकर लिया गया फैसला गलत साबित होता है। वही गलतियां आपको अपने जीवन में नहीं करना है। बाकी का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और खूबसूरत समय रहने वाला है। दोस्तों, इतना भाग्यशाली समय है कि सोच समझकर आपको अपना कदम बढ़ाना होगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इस समय अवधि में नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, पुराने सभी अधूरे कार्य बनने वाले हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों का विनाश होगा और केवल आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आने वाली है। दोस्तों, इस समय अवधि में समझ में मान सम्मान बढ़ाने वाला है, कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करोगे, सब जगह आपका दबदबा बना रहेगा और वह लोग भी अब आपसे बात करने के लिए तरसेंगे जो लोग आपसे बात करना नहीं चाहते थे। जी हां दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार होती है। भगवान इंसान को कब किस मोड़ पर लाकर रख देता है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। यह सब आपके अच्छे कर्मों का फल है, आपकी अच्छी कर्मों का नतीजा है। जितना आप एक दूसरे का मदद करोगी, जितना आप एक दूसरे का भला करोगी, उतना भगवान आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आप जिसको भला करोगे, जिसका मदद करोगे, वह आपका भला नहीं करेंगे और ना ही मदद करेंगे, लेकिन आपका भला करने वाला, आपका मदद करने वाला, ऊपर में ईश्वर बैठे हैं। ऊपर वाले न्याय की चक्की जरा धीमी जरूर चलती है, लेकिन वह पिस्ते बहुत ही बारीकी से। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा सुख लिखा है, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी प्रसन्न होकर आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। दोस्तों, अब आप अपने जीवन में उतने ही तेज गति से आगे बढ़ोगे जितना तेज गति से आप पीछे की तरफ गए थे। कहते हैं ना, इस जिंदगी है और यह जिंदगी सर्कस के झूले की तरह होती है। जी हां, जिस तरह से सर्कस का झूला जितना पीछे जाता है, वह उतना आगे भी जाता है। दोस्तों, अब आप भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे आपकी कामयाबी के, क्योंकि इस समय अवधि में आपके ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय है, यह समय आपके लिए भाग्य उदयदायक समय साबित होने वाला है। दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटते फिरेंगे और वह लोग आपके आगे पीछे अपना धूम हिलाते फिरेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से और माता लक्ष्मी जी के असीम कृपा से आपकी अधूरी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है। इस समय अवधि में संतान प्राप्ति के सुख आपको मिलने वाले हैं। जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह होने के योग्य बन रहे हैं, और जो लोग शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशहाली आने वाली है, एक नया मोड़ आने वाला है और उन दोनों के जीवन में एक नन्हे सा मेहमान का किलकारी संबंधित खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है, जिससे खुशखबरी सुनकर पूरे गली मोहल्ले में ढोल बजाकर नाचते फिरोगे
और सब जगह मिठाई बांटोगे। जी हां, और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए है, अभी बता दें कि इस समय अवधि में आप नए वाहन, मकान, दुकान आदि की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यह जो समय है, यह समय खरीद बिक्री के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। दोस्तों, जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें अब और भड़काने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब उन लोगों की बेरोजगारी किसी समस्या दूर होने वाली है। मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है, मनचाहा जॉब मिल सकता है, या फिर जो लोग पहले से नौकरी में कार्यरत हैं और अगर वे लोग दूसरी नौकरी की चाह रखते हैं तो उनकी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है। रुका हुआ धन मिलने से घर में शांति बनी रहेगी, फंसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और आप इस समय जरूरतमंद चीजों को खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। शादीशुदा व प्रेमी जोड़े लोगों के लिए समय काफी बेहतरीन रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके लिए जो सबसे बड़ी और पहले खुशखबरी है वह है धन से जुड़ी सभी प्रकार की दिक्कतें दूर होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपकी कुंडली में धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। होगा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 41 साल बाद आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने जा रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके भाग्य का दरवाजा खुलेगा और जो आपके भाग्य में भगवान ब्रह्मा जी ने लिखा है वह सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, आपको जो जो चाहिए आप वह सब कुछ भगवान से ममांग लेना, क्योंकि भगवान अब आपकी सभी इच्छा पूरी करेंगे, और याद रखिएगा ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी जिंदगी पहले की तरह नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सपना उनके पूरे नहीं होते हैं जिनके बाप बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो अपने जिद पर अड़े रहते हैं। सपने पूरे करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, और याद रखिएगा यह कलयुग है। अगर आप अपना सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ोगे तो आपको वह भी नहीं मिल पाएगा जो आपके नसीब में होगा, इसलिए अपना सब कुछ भाग्य के भरोसे नहीं त्यागना चाहिए। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर आकर कुछ गंभीर प्रयास करने हैं। सावधान रहें कि बिल्कुल परंपराओं के अनुसार चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। गंभीर होकर प्रयास करने से ही आपको बहाव के साथ बहते रहने के स्थान पर जीवन जीने की सही भावना आएगी। यह इस समय आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप यह कर गए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आज ठंड, जुकाम, वायरल संक्रमण और दूसरी तरह के सभी संक्रमणों से सावधानी पूर्वक बचकर रहें। आप पिछले कुछ समय से प्रदूषित वातावरण में काम कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव अब सामने आएंगे। संक्रमणों से बचने के लिए वैकल्पिक उपाय और घर के नुस्खे आजमाएं, इनसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। अब जीवन शैली में बदलाव भी लाभकारी सिद्ध होगा। सावधान रहें, क्योंकि धोखाधड़ी और प्रवंचना तेजी से आपकी तरफ भड्डी एच रही है। हालांकि यह बिना किसी खास उद्देश्य के और बहुत लघु है, परंतु फिर भी यह आपको चोट पहुंचा सकती है। आज आप देने की प्रक्रिया में रहेंगे। आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अंतह में यह आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में आपको अपने प्यार पर खुशी मिलेगी, पर अभी बहुत ज्यादा व्यक्त करने से बचें। आज का दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। यह जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए न्याय संगत निर्णय लें, ताकि आप बेहतर नीतियां बना सकें। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वो काफी अच्छा रहेगा। जो भी संपर्क आप बनाएंगे वो आगे आने वाले समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे। आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के साथ ना बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान ना हो। आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल इसमें देरी हो सकती है। ऐसी क्षणिक खुशियों के चक्कर में ना पड़ी दिए हैं, जिनकी आपको बाद में काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी दी एच सकती है।
आप पिछले कई दिनों से अपनी डाइट में काफी सारे अंतर लाने के बारे में सोचते रहे हैं, लेकिन कई तरह के संदेहों ने आपको रोक रखा है। आज आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए क्या करते रहना है। इससे आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी। जो नया तरीका आप अपनाने वाले हैं वो शुरुआत में अजीब सा लगेगा, पर आपके लिए सबसे लाभदायक यही है। फ्लर्ट करने में आपको महारत हासिल है और ये आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ कर सकते हो, लेकिन इसे अधिक न होने दें और खुद को केवल इसकी शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखें। भावनात्मक रूप से किसी के साथ न जुड़ें। आपको भी कोई अधिक गंभीरता से नहीं लेगा और आप भी किसी को जरूरत से ज्यादा डिमांड करने की छूट न दें तो अच्छा रहेगा। आप अपने कैरियर की शुरुआत में हैं, इसलिए आपको सीढ़ी पर अगला कदम रखने और पीछे चले गए पथ को देखने की जरूरत है। इन स्थानों में की गई कोई गलती का भुगतान आपको बाद में करना पड़ सकता है। खुद के लिए कुछ प्रस्ताव बनाने के लिए समय निकालें। आपको विरासत में मिला धन का कुछ हिस्सा या पैसा प्राप्त हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज छोटी छोटी चीजों के बारे में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आज आपको कई तरह के संक्रमण होने का खतरा है। आज आप अपने रोमांटिक संबंध को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप दूसरे पारिवारिक संबंधों में व्यस्त रहेंगे। आपके माता पिता या बच्चे आपसे आपका काफी समय मांगेंगे, लेकिन अगर आप इन सब जिम्मेदारियों में अपने पार्टनर को भी शामिल कर लेंगे तो रोमांस के लिए भी मौका निकल ही आएगा। इससे आपके संबंध को एक नई ताजगी मिलेगी। आप अपने करियर की एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़े हैं। ये आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसके लाभ और हानि पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करेगा और अगर आप सही विकल्प का चुनाव करते हैं तो आपकी आय में अगले कुछ दिनों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। आपकी कोई ऐसी निजी घटना है जो आपको रोके हुए है और आपकी तरक्की की राह में बाधा बन रही है। अगर आप खुद को गंभीर मुसीबतों से बचाना चाहते हैं तो इन मुद्दों को सुलझा लें। अपने रिश्तों की महत्ता समझने की कोशिश करें। अपने प्रयासों को रिश्तों की अहमियत देखकर ही निर्धारित करें। आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता या भाई बहनों के साथ समय बिताएं या अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ एकांत समय बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मजेदार कार्यकलाप में शामिल हों। अगर काम का दबाव हो भी तो आज तो उसे भी एक तरफ रख ही दें और साथ रहने की खुशी महसूस करें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप अपने ही परिवार से कितना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़ दें। आपकी तंग सोच और अहंकार से आपके पारिवारिक जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। अगर आप छोटे विवादों को बड़ी समस्याओं में तब्दील नहीं होने देना चाहते तो अभी संभल जाए। जो मामला अभी चल रहा है उसे अपने से अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। आज आपको एक अच्छी नौकरी की पेशकश मिल सकती है, लेकिन आपको इस नौकरी का लाभ लेने के लिए एक अलग शहर या यहां तक कि किसी दूसरे देश में बदलाव करना पड़ सकता है। ये नौकरी की पेशकश बहुत ही आकर्षक लग सकती है, पर यह आपके परिवार के सदस्यों पर प्रभाव डालेगी, इसलिए इसे स्वीकार करने से पहले आपको विभिन्न कोणों पर विचार करने की जरूरत है। आपने किसी परियोजना में अपना काफी समय और प्रयास लगाए हैं और आपको अब इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। दूरदृष्टि के साथ साथ आपके दृढ़ संकल्प और प्रयास भी रंग लाए हैं। आप कुछ नए बदलाव करना चाह रहे हैं लेकिन वित्तीय बाधाएं हैं। आज आप सीमित साधनों से ही इन कामों को पूरा करने के सृजनात्मक तरीके खोज लेंगे। आज का दिन आराम के नाम कर दें। काफी संभावना है कि आप आज का दिन खुद की अतिरिक्त देखभाल में बिताएं। अपने लिए एक ब्यूटी सेशन बुक करें या स्पा की सेवाएं लें। आज यह काफी प्रभावी होगा। आप बहुत जल्दी चमकते हुए और ग्लैमरस दिखेंगे। आपके आसपास सभी लोग आपके इस ब्यूटी और वेलनेस सेशन के बाद आपसे प्रभावित हुए बिन नहीं रह पाएंगे। आज का दिन कुछ पारिवारिक कार्यकलापों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपने बच्चों को बाल गेम के लिए या फिर म्यूजियम या पार्क में ले जाइए।
आप अपने माता पिता या बहन भाइयों के साथ भी समय बिता सकते हैं। शाम का समय रोमांस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इसके लिए कोई बड्डी पार्टी रखने की बजाय अंतरंग सी मुलाकात रखनी चाहिए। अब पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी प्राथमिकता बनेंगी। जिन परियोजनाओं पर आप लंबे समय से लग्न के साथ कार्य कर रहे थे, इस मोड पर आप उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी शैली में मंच पर आगे की ओर शान से रुख कर सकते हैं। आपके काम की विशिष्टता आपको सम्मान दिलाएगी जब यह सबके सामने आएगी। हालांकि गोपनीयता बनाकर रखना समय की मांग है। आपने अपने लिए बहुत ऊंचे मानक तय किए हैं और आप इन्हें हासिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल होगा और इससे आपको थोड़ी निराशा होगी। आपको लक्ष्य तय करने से पहले अपनी क्षमताएं ध्यान में रखनी होंगी। समय कोई बड़ा फैसला लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। आप आज खुद को थोड़ा अनियंत्रित सा महसूस करेंगे। काफी मेहनत भरे वर्कआउट सेशन के बाद आप खुद को चॉकलेट का तोहफा देने वाले हैं, लेकिन इसी पर तो आपको नियंत्रण करना है। चॉकलेट केक की बजाय कुछ कम कैलोरी वाला मीठा खाएं। अगर आप जिम प्रशिक्षक की बताई हुई डाइट पर नहीं चलेंगे तो आपको शेप में आने में बहुत समय लग जाएगा। मेहनत से काम करें और जमकर आनंद उठाएं। आज आप पूरे दिन इसी सिद्धांत पर चलेंगे और यह उपयुक्त भी है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी, लेकिन अंत दोस्तों और परिवार के साथ जश्न से होगा। आपकी लोगों को हंसाने की क्षमता और खुशमिजाज स्वभाव बड्डी पार्टी की मेजबानी के लिए भी उपयुक्त है। अब आपके लिए खुद को संवारने और खुद का ध्यान रखने का समय है। आप अपनी अच्छी सेहत को हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देने से वे भविष्य में बड़ी समस्याओं में बदल जाएंगी। आप आज तक किसी भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ में घरेलू नुस्खों से ही काम चलाते रहे हैं और इससे आपको फायदा भी हुआ है, लेकिन अब आपको अपनी समस्याओं के संतोषजनक समाधान के लिए डॉक्टर की मदद लेनी पड़ सकती है। अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की अपेक्षा करता है। जो जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी, वह आपके रिश्ते में फिर से अंकुरित होगी। अपने साथी को अपने प्यार की गहराइयों से अवगत कराएं। अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लेने हैं और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है, पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ भाग पड़ी डीएचते हैं, जो कि आपको छोड़नी है। आज आप बदली हुई भूमिका में हैं। आप बेहतर वक्ता तो हमेशा से रहे ही हैं, अब आप बेहतर श्रोता भी बन गए हैं। अब सबको यह पता चल जाएगा कि आप आत्म केंद्रित नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने की इच्छा रखते हैं। एक 40 वर्षीय महिला आपकी बहुत मदद करेगी। आप आज विशेष रूप से शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव से कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं कि आप अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह समय अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर भी थोड़ा गंभीर होने के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस समय आपके गंभीर होने से सफलता की पूरी संभावना है। आपका आज एक दिन एक्सपेरिमेंट्स के नाम रहेगा। आप अपने आप से पूछकर खुद को सबसे अजीब चीजें करने की भी अनुमति दे सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं की। रेट्रो स्टाइल के कपड़े पहने, अलग अलग तरह के खाने खाएं, जो आप कहते हैं उसमें विश्वास रखें, रोड ट्रिप्स पर जाएं और पूरी दुनिया में से भी किसी को अपने मामलों में दखलंदाजी न करने दें। आप इस समय शांति में नहीं हैं। आपके दिल और दिमाग के बीच एक निरंतर युद्ध है कि किस तरह से नैतिक और तार्किक रूप से सही निर्णय लिया जाए। अपने दिल की बात सुने और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ करें।
अपने आप को एक नई जिम्मेदारी सौंपें। अगर आप बिना सोच के खर्च करेंगे तो आपको वित्तीय परेशानी हो सकती है। आज सावधान रहें, आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ योजनाएं बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आसानी से उन पर जीत हासिल कर पाएंगे। मजेदार तो यह है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धि के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। अपने आप को फिटनेस कार्यक्रम की आदत डालने के लिए काफी समय दें। पिछले कई महीने से आपके दिमाग में यह बनात आई हुई है कि आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर पाएंगे। अब आप इसके बारे में सक्रिय हो गए हैं और आप सही समय पर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर ही लेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। उस समय तक इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात न करना चाहे। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपनी किसी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। आपको सर्वशक्तिमान के संदेश अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहे और निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें। आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती न हो जिसे आप पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु तब भी अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन होता रहेगा। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसी से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सकें। जरूरतमंदों, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, उनकी मदद करें। ऐसे करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपके साथ स्वस्थ आदतें बांटने के लिए तैयार हों। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाकर भावनात्मक रूप से आपको प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वे अपनी हद से गुजर जाएं, तो आपको भी उनसे अलग हो जाना चाहिए। अगर आप अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी ढूंढना चाहते हैं तो न ढूंढें। कई बार हम फिल्मों में देखकर अपने मन में ऐसे लड्डेचके या लड्डेकियों की तस्वीर संजो लेते हैं, लेकिन सच में वैसे बंधे नहीं हो सकते। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो आपकी खोज बेकार है। अगर आप अपनी अपेक्षाओं को जरा कम कर लें तो आपको अपनी रुचि का कोई मिल ही जाएगा।